अगर आप इंडिया के सबसे शांत सुंदर और नेचुरली गिफ्टेड पार्ट में घूमना चाहते हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक ट्रिप लेनी चाहिए। लश ग्रीनरी, थिक फॉरेस्ट, कल्चरल डाइवर्सिटी, माउंटेन व्यूज और शानदार वादियों का जो एक्सपीरियंस आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा वो आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिल सकता। नॉर्थ ईस्ट में अभी लोगों ने उतना ट्रैवल नहीं किया है, इसलिए यहाँ की ब्यूटी आज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिजर्व्ड है। असम के टी गार्डन्स, सिक्किम की माउंटेन रेंज, मेघालय के शानदार वाटरफॉल, अरुणाचल की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की ट्राइबल कल्चर और त्रिपुरा का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट अपनी एक अलग कहानी बयां करता है। तो आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे टॉप 10 मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो कि आपको जरूर घूमनी चाहिए। नंबर 10, रीक हेरिटेज विलेज, मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल ऐज़वाल से करीब 30 किलोमीटर दूर 5000 फीट के एल्टीट्यूड पे स्थित रीक एक बहुत ही ओल्ड वर्ल्ड हेरिटेज विलेज है। इस विलेज में आपको आज भी मिजोरम के लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन और उनके ट्राइबल हट्स मिलेंगे जो कि उनके ट्राइबल कल्चर को दर्शाता है। इस हेरिटेज विलेज से आपको पूरे ऐज़वाल शहर का व्यू भी देखने को मिलता है। मिजोरम के कल्चर में इस तरह के विलेज काफी कॉमन हुआ करते थे जो कि आज के टाइम में बहुत ही कम बचे हैं। नंबर 9, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला से करीब 56 किलोमीटर दूर इंडिया के 51 पवित्र शक्तिपीठ में से एक त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल एक बहुत ही धार्मिक जगह है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफी अट्रैक्टिव है जो कि त्रिपुरा की आर्ट एंड आर्किटेक्चर को दर्शाता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की यहाँ के लोकल्स में काफी मान्यता है और दिवाली के टाइम पर तो यहाँ हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है त्रिपुरा इंडिया का सबसे कम ट्रैवल किया जाने वाला स्टेट है? तो अगर आपको कभी त्रिपुरा आने का मौका मिलता है तो आप इस मंदिर में दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 8, बोमदिला मोनेस्ट्री, अरुणाचल प्रदेश। 8500 फीट के एल्टीट्यूड पर स्थित हिमालय की गोद में स्थित बोमदिला मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। बोमदिला मोनेस्ट्री का निर्माण 1965 में हुआ था और कहा जाता है कि ये तिब्बत में स्थित सोना गोंस्ते मोनेस्ट्री की एग्जैक्ट कॉपी है और इसी वजह से यहाँ काफी बुद्धिस्ट मॉन्क भी रहते हैं। बोमदिला मोनेस्ट्री को अरुणाचल की सबसे धार्मिक जगहों में से एक माना जाता है। तो अगर आप कभी अरुणाचल आए तो इस बोमदिला मोनेस्ट्री में जरूर घूमिएगा। नंबर 7, लोकटक लेक, मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर दूर लोकटक लेक मणिपुर की शान माना जाता है। इस लेक की खास बात यह है कि इस लेक में काफी सारे तैरते हुए आइलैंड्स हैं और इस लेक को इंडिया के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक में गिना जाता है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी यहीं स्थित है, जहां आपको 500 से ज्यादा प्रजाति के एनिमल्स देखने मिल जाएंगे। इस लेक में आप बोट राइड लेकर यहाँ के नेशनल पार्क और नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नंबर 6, सोमगो लेक, सिक्किम। 12400 फीट के एल्टीट्यूड पर स्थित हिमालयन पहाड़ से घिरा हुआ सोमगो लेक इंडिया के सबसे सुंदर लेक्स में से एक है। इस लेक पे आके आपको एक अलग ही सुंदरता और शांति का अनुभव होगा। गैंगटोक से सोमगो लेक तक के 35 किलोमीटर लंबी रोड ट्रिप को नॉर्थ ईस्ट की सबसे बेस्ट रोड ट्रिप में गिना जाता है। सर्दियों के टाइम पे तो ये पूरा लेक बर्फ से जम जाता है और आप यहाँ याक की सफारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ रोप वे केबल कार का भी ऑप्शन है जो कि आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सिक्किम आकर आप सोमगो लेक घूमे बिना तो वहां से जा ही नहीं सकते। नंबर 5, नोहकलिकई फॉल्स, मेघालय। 1100 फीट की हाइट से गिरने वाला दुनिया का फोर्थ हाईएस्ट वाटरफॉल का नजारा तो देखते ही बनता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल मेघालय का नोहकलिकई फॉल्स ही है। चारों तरफ से जंगल से घिरे हुए इस वाटरफॉल का नजारा तो देखते ही बनता है। वैसे तो मेघालय पूरे साल में कभी भी घूमने आ सकते हैं, लेकिन मॉनसून के बाद यानी कि सितंबर से मार्च तक का टाइम आपके लिए बेस्ट होगा नोहकलिकई फॉल्स घूमने का, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ काफी पानी जमा हो जाता है और वो व्यू तो देखते ही बनता है। नंबर 4, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। इंडिया के सबसे सुंदर नेशनल पार्क में से एक काजीरंगा नेशनल पार्क असम की शान माना जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में काजीरंगा नेशनल पार्क न केवल इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस पार्क में आपको वैरायटी ऑफ एलिफेंट्स, बफेलो, डियर, टाइगर और इंडिया का एकमात्र वन हॉर्न राइनो देखने मिलेंगे। अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व की वजह से इसे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन ये पार्क मॉनसून के टाइम पे बंद रहता है, तो अगर आप यहाँ की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो नवंबर से अप्रैल तक का टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। नंबर 3, नाथुला पास, सिक्किम। 14450 फीट के एल्टीट्यूड पे इंडिया तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित नाथुला पास इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग और एडवेंचरस पास में से एक है।
नाथुला पास एक इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करने वाली रोड है जो कि पहले ओल्ड सिल्क रूट के लिए यूज होती थी। नाथुला पास का टेम्परेचर साल भर बहुत ही ठंडा रहता है और अगर आपको स्नो और विंटर्स पसंद है तो नवंबर से फरवरी आपके लिए परफेक्ट टाइम होगा नाथुला पास घूमने का। इस टाइम पे आपको बहुत ही सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद चादर में लिपटा हुआ सिक्किम का बेहतरीन नजारा देखने मिलेगा। नंबर 2, चेरापुंजी मेघालय। हिमालय के किनारे में बसे मेघालय के सबसे सुंदर हिल स्टेशन चेरापुंजी एक हिडन प्लेस जैसा है। चेरापुंजी को वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश चेरापुंजी में ही होती है और इसी वजह से यहाँ आपको हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने मिलेगी। चेरापुंजी में आकर आप यहाँ के फेमस वाटरफॉल का नजारा, डॉकी रिवर में बोट राइड और डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिजेस में ट्रैक करना तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। नंबर 1, तवंग मोनेस्ट्री, अरुणाचल प्रदेश। हिमालयस के बहुत ही सुंदर पहाड़ों में 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पे स्थित तवंग मोनेस्ट्री इंडिया की सबसे सुंदर मोनेस्ट्रीज में से एक है। बुद्धिस्ट मॉन्क दलाई लामा का बर्थ प्लेस भी तवंग ही है। तवंग मोनेस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। तवंग मोनेस्ट्री में ज्यादातर जगह आपको येलो कलर की ही रूफ देखने मिलेगी जो कि यहाँ की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ाता है। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बेहतरीन जगह में से एक तवंग मोनेस्ट्री की एक ट्रिप लेना तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। दोस्तों, इन सब के अलावा भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन है जैसे की जीरो वैली, कंचनजंगा पीक, माजुली आइलैंड, गोरीचन पीक, गोयचला ट्रैक, गैंगटॉक सिटी, रुद्रसागर लेक, सोलोमन्स टेम्पल, एशियाज क्लीनेस्ट मोलिनोंग विलेज और भी बहुत कुछ। दोस्तों, याद रहे कि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही साफ और डाइवर्स जगह है, इसलिए वहां जाकर आप गंदगी ना फैलाएं और वहां के कल्चर की रिस्पेक्ट करें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके कोई सजेशन हैं तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलेंगे, टिल दैट टाइम गुड बाय।